हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो आज बेटा हमारी क्लास जो है वो कैपिटल गेन्स की समरी के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 45 की, जो स्कोप और चार्जेबिलिटी बताया करता है कैपिटल गेन्स की। जब भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया जाएगा और उस ट्रांसफर से होने वाला जो भी प्रॉफिट या गेन है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में। और ये जो प्रॉफिट या गेन होगा बेटा, ये हो जाएगी डीम टू बी इनकम किस प्रीवियस ईयर की, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ये बात करता है। इसके साथ ही हमने समझे थे फिर यहाँ पर दो कंसेप्ट, सर कैपिटल एसेट क्या होती है और ट्रांसफर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एसेट होती क्या है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डिफाइन करता है कैपिटल एसेट का मतलब क्या होगा। कैपिटल एसेट्स मींस क्लोज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो असेसी ने हेल्ड की है, भले ही वो प्रॉपर्टी उसके बिजनेस में या प्रोफेशन में कनेक्टेड हो या ना हो। क्लॉज बी किसी भी तरह की सिक्योरिटीज जो हेल्ड करता है एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे हम FII भी बोलते हैं, और ये सिक्योरिटीज उसने इन्वेस्ट कर रखी है एज पर द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी एक्ट। फिर हमने किया था कि कैपिटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, यानी एक्सक्लूशंस फ्रॉम कैपिटल एसेट, जिसमें नंबर वन आता था स्टॉक इन ट्रेड। किसी भी तरह का स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन थी कि अगर FII ने सिक्योरिटीज को स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट किया हुआ है तब भी ये सिक्योरिटीज जो है उसकी कैपिटल एसेट बन जाएंगी। बात करें अदर एक्सेप्शंस की, तो रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल्स जो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए होते हैं उन्हें भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया था। इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं उन्हें भी बाहर कर दिया गया था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। लेकिन पर्सनल इफेक्ट जैसे कि ज्वेलरी या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस या ड्राइंग्स या पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स या एनी वर्क ऑफ आर्ट, इन्हें जो है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड की। जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर भी दो एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी। नंबर वन, वो एग्रीकल्चर लैंड जो सिचुएट करता है किसी एरिया में, जो आता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड, और जिसकी पॉपुलेशन कितनी हो, कम से कम 10,000 हो, तो उस केस में ये जो एग्रीकल्चर लैंड होगा वो कैपिटल एसेट बन जाएगा। सेकंड हमने समझा था कि वो एग्रीकल्चर लैंड जो सिचुएटेड है किसी ऐसे एरिया से जो म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है और उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1,00,000 तक है, तो इस एरिया से अप टू 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा उसमें जितना भी एग्रीकल्चर लैंड होगा वो कैपिटल एसेट हो जाएगा। साथ ही हमने यहाँ पर दो क्राइटेरिया और समझे थे कि अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 1,00,000 को एक्सीड करती है अप टू 10,00,000, तो उस केस में अप टू 6 किलोमीटर तक का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। अगर पॉपुलेशन उस एरिया की एक्सीड करती है 10,00,000 से, तो उस केस में अप टू 8 किलोमीटर तक का ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये कैपिटल एसेट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सक्लूजन की बात करते हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो इशू हुए थे गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 में, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो इशू हुए थे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में, तो इन दोनों केसेस में ये जो बॉन्ड्स है ये भी कैपिटल एसेट नहीं होती। नेक्स्ट 6% गोल्ड बॉन्ड्स 1977, या 7% गोल्ड बॉन्ड्स या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980, ये तीनों तरह के जो बॉन्ड है ये भी कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनते। स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, ये भी कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनते। नेक्स्ट हमने किया था कि प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो वहां पर हमने देखा था कि प्रॉपर्टी में हमेशा इंक्लूड किया जाएगा, ऑलवेज इंक्लूड एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी। किसी इंडियन कंपनी में अगर कोई राइट है किसी भी तरह का, तो वो प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाता है, या इंडियन कंपनी के रिलेशन में कोई राइट है वो भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताती है कि अगर राइट ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल है तो उसे भी राइट्स में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब समझते हैं ट्रांसफर क्या होता है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ट्रांसफर में हमने पढ़ा था कि कैपिटल एसेट के रिलेशन में फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो उन्हें ट्रांसफर ट्रीट किया जाता है। नंबर वन, सेल किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है या रिलिंक्विशमेंट किया जा रहा है एसेट का, वो भी ट्रांसफर होता है। एक्सटिंग्विशमेंट किया जाता है राइट्स का कैपिटल एसेट के रिलेशन में, वो भी ट्रांसफर होता है। कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है कैपिटल एसेट का, तो ये भी ट्रांसफर हो गया। ऑनर ऑफ कैपिटल एसेट उसे कन्वर्ट कर देता है स्टॉक इन ट्रेड में, तो ये कन्वर्जन भी क्या ट्रांसफर कहलाता है।
मैच्योरिटी या रिडम्शन हो रहा है जीरो कूपन बॉन्ड का तो वो भी ट्रांसफर होता है, अगर पार्ट परफॉर्मेंस हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ये भी ट्रांसफर ट्रीट किया जाता था। तो यहाँ पर हमारी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 की डेफिनेशन हो जाती है कंप्लीट। इसके साथ ही हमने ट्रांसफर और कैपिटल एसेट को भी समझ लिया। अब बात करते हैं उन एक्सेप्शन की जहां पर ट्रांसफर तो हो रहा है प्रीवियस ईयर में बट कैपिटल गेन जो टैक्सेबल किए जाते हैं वो सेम प्रीवियस ईयर में नहीं किए जा रहे, जिसमें हमारा आता है नंबर 1 सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए। अगर कोई पर्सन रिसीव करता है मनी या अदर एसेट्स अंडर एनी इंश्योरेंस ऑन अकाउंट ऑफ, किस वजह से ये रिसीव कर रहा है, डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो गया कैपिटल एसेट का, या फ्लड या टाइफून या हरिकेन या साइक्लोन या अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ डैमेज हो गई है कैपिटल एसेट, या राइट या सिविल डिस्टर्बेंस हो गया जिस वजह से कैपिटल एसेट डैमेज हो गई, या एक्सीडेंटल फायर या एक्सप्लोजन हो गया जिस वजह से कैपिटल एसेट डैमेज हो गई है, या एनिमी कंट्री के साथ वॉर छिड़ गई है और उसमें उस पर्सन की कैपिटल एसेट डैमेज या डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तो उस केस में ट्रांसफर तो हो जाया करता था जिस प्रीवियस ईयर में ये डैमेज या डिस्ट्रक्शन हुआ है पर्सन की कैपिटल एसेट का, लेकिन टैक्सेबल किस प्रीवियस ईयर में किया जाता था, टैक्सेबल उस प्रीवियस ईयर में किया जाता था जिस प्रीवियस ईयर में वो मनी या अदर एसेट रिसीव हुआ करती थी। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम क्या लिया करते थे इस केस में, जो वैल्यू ऑफ मनी हमें रिसीव हुई है, या इन केस अगर एसेट रिसीव हो रही है तो उस केस में उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रीट की जाया करती थी। नेक्स्ट सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 जो बात करता था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड, तो उस केस में ट्रांसफर कब हुआ करता था, ट्रांसफर हो जाता था उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में कन्वर्जन किया जा रहा है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स कब लगा करता था, जिस प्रीवियस ईयर में वो स्टॉक सेल किया गया या ट्रांसफर किया गया था। साथ ही यहां पर हमने देखा था दो तरह की इनकम हमारी अराइज हुआ करती थी, एक होती थी हमारी बिजनेस इनकम और दूसरी होती थी हमारी कैपिटल गेन्स। बिजनेस इनकम को कैसे कंप्यूट करते थे हम, जो सेल प्राइस हुआ करता था उस स्टॉक का उसमें से रिड्यूस कर दिया करते थे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जो बैलेंस होता था वो हो जाती थी हमारी बिजनेस इनकम। साथ ही कैपिटल गेन्स को हम कैसे निकाला करते थे, जो फेयर मार्केट वैल्यू हुआ करती थी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन उसमें से रिड्यूस कर दिया करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट। अगर हमारी कैपिटल एसेट हुआ करती थी लॉन्ग टर्म तो हम इंडेक्सेशन के प्रोविजन भी वहां पर लगाया करते थे। नेक्स्ट हमारी एक्सेप्शन आती थी 45(5) की जो बात करता था कंपलसरी एक्विजिशन की। कंपलसरी एक्विजिशन जिस केस में जो कंसिडरेशन फिक्स किया करती थी या अप्रूव किया करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई, तो उस केस में जिस प्रीवियस ईयर में कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है कैपिटल एसेट का ये ईयर होता था ईयर ऑफ ट्रांसफर, लेकिन इस प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाता था। किस प्रीवियस ईयर में लगाया जाता था, जिस प्रीवियस ईयर में कंसिडरेशन वॉज फर्स्ट रिसीव बाय द असेसी उस प्रीवियस ईयर में इस इनकम पर लगता था कैपिटल गेन टैक्स। साथ ही हमने देखा था कि अगर कंपनसेशन को फर्दर एनहेंस कर देती है कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल तो उस केस में जिस प्रीवियस ईयर में एनहेंस कंपनसेशन रिसीव करता है असेसी उस प्रीवियस ईयर में ये हो जाती थी टैक्सेबल। इन केस कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है इंटरिम ऑर्डर दिया करती थी तो उस केस में जब फाइनल ऑर्डर आया करता था उसी प्रीवियस ईयर में जो एनहेंस कंपनसेशन होती थी वो टैक्सेबल की जाती थी। साथ ही हमने ये भी देखा था कि इन सभी केसेस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो निल रहा करती थी। नेक्स्ट हमारी एक्सेप्शन आती है सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 कैपिटल ए जो बात करता था जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की। तो इस केस में ट्रांसफर किस प्रीवियस ईयर में हुआ करता था, जिस प्रीवियस ईयर में जो असेसी है अपनी लैंड या बिल्डिंग या दोनों के डेवलपमेंट राइट्स जो है बिल्डर को ट्रांसफर कर दिया करता था, लेकिन ये ट्रांसफर टैक्सेबल कब हुआ करता था, ये ट्रांसफर हुआ करता था उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में सीओसी मिला करता था, भले पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी मिल जाया करता था तब भी ये ट्रांसफर टैक्सेबल हो जाया करता था। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इस केस में क्या हुआ करती थी, लैंड या बिल्डिंग है उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इश्यूइंग ऑफ सीओसी प्लस अगर कोई कंसिडरेशन वो रिसीव करता था कैश में तो वो भी इंक्लूड कर ली जाती थी। यहाँ पर हमारी जो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 की एक्सेप्शन थी वो यहाँ पर खत्म होती है। बात करते हैं अदर सेक्शन की, तो हमने फिर किया था 45(3) जो बात करता था कि अगर कोई पार्टनर किसी फर्म को ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल एसेट, या कोई मेंबर है एओपी या बीओआई का वो ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल एसेट, तो उस केस में ये ट्रांसफर मान लिया जाता था किस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में इस पार्टनर ने या मेंबर ने ट्रांसफर किया है कैपिटल एसेट को टू द फर्म और एओपी और बीओआई एज द केस में भी। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इस केस में हम लिया करते थे जो फर्म या एओपी और बीओआई ने अपनी बुक्स में कैपिटल एसेट की वैल्यू रिकॉर्ड की है वो हो जाती थी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसका वाइसे वर्सा केस भी हमने किया था सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 में जो बात करता था कि कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करती है कोई फर्म या एओपी या बीओआई अपने पार्टनर या मेंबर को, तो उस केस में जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हो रहा है उस प्रीवियस ईयर में
कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ट्रीट की जाती थी, जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस कैपिटल एसेट की ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये हो जाया करती थी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। साथ ही बेटा याद रखना 50C के प्रोविजन का भी इनका लिंक जो है हमने रेगुलर बैच में किया था, तो 50C के जितने भी यहाँ पर लिंक बनते हैं वो भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की। सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 कैपिटल जो डिफाइन करता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है, पीरियड ऑफ होल्डिंग के थ्रू ये डिफाइन किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल एसेट है अगर हेल्ड करता है एसएससी अप टू 36 मंथ्स तक, तो उस केस में ये जो एसेट होती है वो क्या कहलाती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी जो हमने समझी थी एक चार्ट के थ्रू। नंबर वन हमने किया था कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती है जैसे शेयर्स या डिबेंचर, लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं या जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं या यूनिट्स हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की या यूनिट ऑफ यूटीआई, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट ये तब कहलाएगा जब ये हेल्ड की गई है एसएससी के थ्रू अप टू 12 मंथ्स तक। 12 महीनों तक अगर ये हेल्ड की गई है तो उस केस में ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होती थी, 12 महीनों से ज्यादा होते ही ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बन जाया करती थी। नेक्स्ट हमने किया था नॉन लिस्टेड शेयर्स के केस में और इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, इन दोनों के लिए ही जो पीरियड होता था वो होता था 24 मंथ्स का फॉर क्वालिफाई एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर 24 मंथ से ज्यादा हेल्ड करता है एसएससी तो ये एसेट हो जाया करती थी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। नेक्स्ट हमने बात की थी कि अदर तीन एसेट की, जो यूनिट्स होती थी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट या अदर कोई कैपिटल एसेट है, तो उनके लिए जो पीरियड हुआ करता था वो हुआ करता था अप टू 36 मंथ्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर सेक्शन 47। सेक्शन 47 बात करता था उन ट्रांजेक्शन की जो ट्रांसफर नहीं कहलाती थी, जिसमें 5 ट्रांजेक्शन को हमने एक चेन बनाकर समझा था कि हमने सेक्शन की यहां पर चेन बनाई थी। तो पहले बात करते हैं उन 5 ट्रांजैक्शन की जिसमें चेन ऑफ सेक्शन चला करता है। नंबर 1 हमने किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैपिटल एसेट का टोटल या पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के केस में। दूसरा ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट का किसी गिफ्ट या विल या इरिवोकेबल ट्रस्ट में। तीसरा हमने किया था कि ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट का होल्डिंग टू 100% सबसी, और सबसी कौन सी, इंडियन कंपनी। फोर्थ हमने किया था कि सबसी कंपनी ट्रांसफर करती है कैपिटल एसेट्स का टू इट्स 100% होल्डिंग इंडियन कंपनी। और फिफ्थ हमने किया था कि अमलगमेशन में ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट का अमलगमेटिंग कंपनी से टू इंडियन अमलगमेटेड कंपनी। तो इन सभी 5 केसेस में जो कॉस्ट होती थी प्रीवियस ओनर के हैंड में वो ही बन जाती थी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ करती थी प्रीवियस ओनर के हैंड में वो ही हो जाती थी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होता था इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर वो ही हो जाता था इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। ये सारे केसेस हमने किए थे। नेक्स्ट अब अदर केसेस की बात करते हैं। ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट का बीइंग शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी टू डीमर्ज कंपनी इन द केस ऑफ डीमर्जर, तो ये भी बेटा ट्रांसफर जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। अगर ट्रांसफर किया जा रहा है शेयर होल्डर के थ्रू इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन, जो उसके पास शेयर्स हैं अमलगमेटिंग कंपनी के, तो उस केस में ये भी ट्रांसफर जो है कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। ट्रांसफर करता है कोई इंडिविजुअल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का जो आरबीआई ने इशू किए हैं रिडम्पशन के थ्रू, तो इस केस में जो रिडम्पशन हो रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ट्रांसफर होता है बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स को कन्वर्ट किया जाता है या डिबेंचर्स को या डिबेंचर स्टॉक को या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को शेयर्स में या डिबेंचर्स में उसी कंपनी के, तो ये ट्रांसफर भी हमारा एग्जेम्प्ट हुआ करता था। नेक्स्ट कन्वर्जन होता था प्रेफरेंस शेयर का इनटू इक्विटी शेयर्स, तो ये जो कन्वर्जन है ये भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। ट्रांसफर होता था कैपिटल एसेट का इन ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मोर्टगेज, तो उस केस में भी ये जो ट्रांसफर था ये एग्जेम्प्ट था। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया करते थे, उसमें से रिड्यूस कर दिया करते थे कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहे हैं होली और कंप्लीटली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, तो रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट आती थी वो कहलाती थी हमारी नेट सेल कंसिडरेशन। एक बात का ध्यान रखना, जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है उसकी डिडक्शन यहां पर नहीं मिलती, यानी उसे रिड्यूस नहीं किया जाता फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से। नेक्स्ट नेट सेल कंसिडरेशन में से फिर हम रिड्यूस कर दिया करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लेकिन अगर हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो हम इसे इंडेक्स्ड कर दिया करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को। अगर कोई एग्जम्पशन ले रखी है एसएससी ने सेक्शन 54, 54B, D, EC, EE, F में, तो फिर उसे भी रिड्यूस कर दिया जाता था, बैलेंस जो आता था वो आया करता था कैपिटल गेन। साथ ही हमने देखा था कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे करते हैं या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, तो
कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई कर दी जाती थी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से, जिस ईयर में ये एसेट जो है कैपिटल एसेट जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, और डिवाइड कर दिया करते थे उस प्रीवियस ईयर के कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से जिस प्रीवियस ईयर में ये फर्स्ट हेल्ड की गई थी एसएससी के थ्रू। इन केस 2001 या 2 से पहले हेल्ड की है एसएससी ने, तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स हुआ करता था एसएससी का, वो हम 2001 या 2 का लिया करते थे। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 50 वाली सीरीज की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या बात किया करता था, ये पीजीबीपी चैप्टर के साथ लिंक हुआ करता था कि जब भी डेप्रिशिएबल एसेट का ट्रांसफर किया जाता है तो उस केस में जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, भले ही ये एसेट 36 मंथ से ज्यादा हेल्ड की गई हो। सेक्शन 50 ये बात किया करता था। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 50 कैपिटल बी की, जो बात करता था कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल। किसी अंडरटेकिंग को स्लम सेल में अगर सेल किया जाता था और उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट था वो टैक्सेबल हो जाया करता था कैपिटल गेन में। यहां पर हमने एक बात समझी थी कि अगर अंडरटेकिंग का जो पीरियड है होल्डिंग का वो 36 मंथ से ज्यादा का है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता था, लेकिन इंडेक्सेशन के जो बेनिफिट है वो एसएससी को यहां पर नहीं दिए जाते थे। अगर 36 मंथ से कम हेल्ड की है अंडरटेकिंग एसएससी ने तो जो गेन कहलाएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाया करता था। कैपिटल गेन हम कैसे निकाला करते थे, जो सेल कंसीडरेशन हुआ करती थी उसमें से नेट वर्थ हम रिड्यूस कर दिया करते थे, और नेट वर्थ क्या हुआ करती थी, जो टोटल एसेट की वैल्यू हुआ करती थी माइनस टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। टोटल एसेट की वैल्यू कंप्यूट करते समय हमने तीन तरह की एसेट की जो वैल्यूएशन थी वो सीखी थी। नंबर वन, जो डेप्रिशिएबल एसेट होती है उनकी वैल्यू WDV के बेसिस पर कंप्यूट की जाएगी। नंबर टू, जो 35AD वाली एसेट होती है उनकी वैल्यू ऑलवेज निल ट्रीट की जाएगी, और जो बैलेंस अदर एसेट बची उनकी वैल्यू जो बुक वैल्यू होती है वो ट्रीट की जाती थी। नेक्स्ट, जो रिवैल्यूएशन हुआ करता था उन एसेट का वो हमेशा इग्नोर किया करते थे। साथ ही जब एसेट्स की वैल्यू कंप्यूट की जाती थी तो जो रिवैल्यूएशन की वैल्यू है उन एसेट की वो हम इग्नोर कर दिया करते थे सभी केसेस में, और लायबिलिटीज की वैल्यू जो होती थी बुक वैल्यू वो हम लिया करते थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 50C की। सेक्शन 50C बात करता है कि इनकेस ट्रांसफर हो रहा है किसी लैंड या बिल्डिंग का अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पर किया जा रहा है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डीम टू बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच लैंड और बिल्डिंग, ये ट्रीट कर ली जाती थी। लेकिन यहां पर हमने पढ़ी थी एक प्रोविजो, प्रोविजो क्या बात करती थी कि अगर जो सेल प्राइस है वो अप टू 105% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो उस केस में जो सेल प्राइस है वो ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट इसमें हमें ध्यान देना था कि जो डेट ऑफ एग्रीमेंट होता था जिस डेट पर फिक्स की गई है कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमुअल प्रॉपर्टी और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो दोनों डिफरेंट है तो उस केस में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वो हम ले लिया करते थे। बट कंडीशन क्या थी कि जो बायर है वो सेलर को ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कंसिडरेशन का कुछ पार्ट या पूरी की पूरी अमाउंट कंसिडरेशन की वो पे कर दे बाय वे ऑफ कैसे, अदर देन कैश, कैश को छोड़ के, जैसे हमने समझा था बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और अदर प्रिस्क्राइब मोड। प्रिस्क्राइब मोड में क्या क्या आते हैं, प्रिस्क्राइब मोड्स में आता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, भीम यूपीआई एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है प्रिस्क्राइब मोड्स में बताई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि अगर असेसी को लगता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अडॉप्ट की है असेसिंग ऑफिसर ने वो एक्सीड करती है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी तो उस केस में असेसी जो है एओ से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करा ले या रेफर कर दे वैल्यूएशन ऑफिसर को। तो उस केस में अगर वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू डिटरमाइन करता है लोअर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो उस केस में जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर ने डिटरमाइन की है वैल्यू वो मानी जाएगी। इन केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से हायर अमाउंट डिटरमाइन करता है वैल्यूएशन ऑफिसर तो उस केस में जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू होती है वो सेल प्राइस ट्रीट किया जाता था। चलिए बात करते हैं सेक्शन 50 कैपिटल सीए की। तो ये बात करता है उन अनलिस्टेड शेयर्स की जिनका ट्रांसफर किया जा रहा है लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू तो उस केस में जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती थी वो ट्रीट की जाती थी डीम टू बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 50 कैपिटल डी की, जो बात करता है कि अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया जा रहा है और ट्रांसफर करने पर जो कंसिडरेशन है वो डिटर्मिनेबल नहीं है या अनअसर्टेनेबल है जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एसेट की ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वो ट्रीट कर ली जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट सेक्शन 51 जो बात करता था एडवांस मनी फॉरफिचर की। ये सेक्शन बात करता था कि अगर कोई सेलर एडवांस मनी फॉरफिट करता है अप टू 31st मार्च 2014 तो उस केस में जो असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो WDV में से हम रिड्यूस कर दिया करते थे, लेकिन 1/4 2014 के बाद से जितनी भी अमाउंट
सेलर ने एडवांस मनी फॉरफिट की है वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ट्रीट की जाती थी अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 111A सेक्शन की, जो बात करता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए स्पेसिफिक रेट की, और रेट क्या हुआ करता था 15%। यहां पर हमने पढ़ा था कि अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ, तीन तरह की एसेट्स हमने पढ़ी थी, नंबर वन इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और इनकी ट्रांसफर पर एसटीटी पे किया गया है तो रेट जो होता था वो 15% एप्लीकेबल हो जाया करता था। साथ ही हमने देखा था कि अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उस केस में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसकी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में से भी रिड्यूस कर दिया जाता था, और जो बैलेंस अमाउंट बचा करती थी उस पर लगा करता था 15% का टैक्स का रेट। लेकिन यहां पर चैप्टर 6 की डिडक्शन जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट के अगेंस्ट वो नहीं मिला करती थी असेसी को। एक बात हमने और समझी थी कि अगर ट्रांजैक्शन हो रही है आईएफएससी में यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में, तो उस केस में भले ही उस ट्रांजैक्शन पर एसटीटी पे ना किया हो, लेकिन तीन तरह की एसेट इक्विटी शेयर्स या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन तीनों का ट्रांजैक्शन हुआ है वहां पर, तब भी रेट जो है 15% का मिल जाएगा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 112 की, जो डिफाइन करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए रेट। तो हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का रेट हुआ करता था वो होता था 20%। केस रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उनकी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में से भी रिड्यूस कर दिए जाते थे। दो तरह की कैपिटल एसेट के लिए हमने समझा था कि रेट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया जाता था, जहां पर हमने देखा था कि अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज का ट्रांसफर किया जा रहा है अदर देन यूनिट्स या जीरो कूपन बॉन्ड, तो उस केस में दो तरह के रेट जो है असेसी को मिला करते थे, नंबर वन 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन और 20% विद बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। दोनों में से जो बेनिफिशियल होता था असेसी को वो उसे अवेल कर सकता था। बात करें नॉन कॉर्पोरेट या नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी की केस की, तो उस केस में हमने समझा था कि जो कैपिटल एसेट होती है अदर देन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, वहां पर 20% का रेट लगता था। बाकी सभी केसेस में जो रेट लगा करता था नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी के लिए वो लगा करता था 10% का। चलिए बात करते हैं सेक्शन 112 कैपिटल ए की, जो टैक्स रेट को डिफाइन करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एसेट्स। यहां पर भी हमने तीन तरह की एसेट्स को समझा था, कौन कौन सी, जो 111 कैपिटल ए वाली एसेट थी वही एसेट्स यहां पर भी कवर की गई थी, बट उनका नेचर क्या था, लॉन्ग टर्म नेचर होना चाहिए था। सबसे नंबर वन कौन सी एसेट थी हमारी, इक्विटी शेयर्स, दूसरा यूनिट्स इन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, और थर्ड यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट। इन तीनों के ट्रांसफर पर अगर असेसी को हुआ करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो उस पर टैक्स लगा करता था 10% की रेट से। अगर ये कैपिटल गेन एक्सीड कर जाता था 1 लाख की अमाउंट को, और साथ ही एक बात और ध्यान देनी थी यहां पर, इन कैपिटल एसेट के परचेज और सेल पर एसटीटी पे किया हो असेसी ने, तभी ये वाला बेनिफिट जो है रेट का वो अवेल कर पाता था। इनकेस रेजिडेंट इंडिविजुअल्स या एचयूएफ है तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट होती थी वो रिड्यूस कर दी जाती फ्रॉम द अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ दैट असेसी, और जो बैलेंस बचता था वो 10% की रेट से टैक्स कर दिया जाता था। साथ ही हमने पढ़ा था कि जो चैप्टर 6 की डिडक्शन है और 87 कैपिटल ए की जो रिबेट है वो भी इस केस में असेसी को नहीं मिला करती थी। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ करती थी आईएफएससी में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है और रिलेटेड है उन तीन असेट से, तो उस केस में भले ही एसटीटी पे ना किया गया हो इवन ऑन परचेज और सेल, तब भी रेट जो है 10% का मिल जाया करता था। चलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं। तो हमने सीखा था जो गुडविल ऑफ बिजनेस है, ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम एटसेट्रा, जितनी भी एसेट हुआ करती थी अगर सेल्फ जनरेटेड है तो इस केस में इन एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाया करता था निल। लेकिन अगर ये एक्वायर्ड की गई थी किसी प्रीवियस ओनर से तो उस केस में जो परचेज प्राइस है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिए जाया करती थी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन सभी एसेट्स के लिए निल हो जाया करती थी। बोनस शेयर की बात करें तो बोनस शेयर अगर 1/4/2001 से पहले अलॉट किए गए हैं तो उस केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू होती थी ऑन 1/4/2001 वो कंसीडर कर लिया करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर बोनस शेयर अलॉट किए जा रहे हैं 1/4/2001 के बाद तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा निल रहती थी। राइट शेयर के बारे में हमने बात की थी कि जो ओरिजिनल शेयर होते हैं उस केस में जो एक्चुअली अमाउंट पे की है असेसी ने वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं शेयर्स असेसी ने तो जो एक्चुअली अमाउंट पेड की है फॉर एक्वायरिंग द राइट्स इन शेयर्स वो अमाउंट हो जाती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन केस असेसी रिनाउंस कर देता है राइट, तो रिनाउंस के केस में सिंपल जब रिनाउंस किया जा रहा है तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, बट जब रिनाउंस कंप्लीट हो जाता है यानी वो पर्सन जो राइट शेयर को एक्वायर कर लेता है रिनाउंस में, तो उस केस में हमने समझा था कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो हो जाएगी
जाएगी उसका परचेज प्राइस प्लस जो अमाउंट उसने पे की है कंपनी को अलॉटमेंट के लिए वो भी इंक्लूड कर ली जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की उन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए जिन पर सेक्शन 112 कैपिटल ए एप्लीकेबल होता है, जिसमें हमने देखी थी तीन तरह की एसेट्स, नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और तीसरी हमने देखी थी यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर इनका एक्विजिशन होता है बिफोर 1 फरवरी 2018, इस केस में हमने देखी थी दो कंडीशन की उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी, हाइयर ऑफ नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट और सेकंड कंडीशन में हमने देखी थी दो और कंडीशन, लोअर ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट और द सेल प्राइस ऑफ सच एसेट। इन दोनों में जो लोअर होगा उसे फिर कंपेयर किया जाता था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ, दोनों अमाउंट में जो हायर निकल के आती थी वो हो जाती थी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बैलेंस कैपिटल एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हुआ करता था, तो अगर कैपिटल एसेट जो है प्रॉपर्टी बनी है एसएससी की बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो एसएससी के पास ऑप्शन होगा, या तो वो फेयर मार्केट वैल्यू ले ले एज ऑन द डेट ऑफ 1/4/2001 या जो कॉस्ट है उस एसेट की उन दोनों में जो हायर हो उसके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट, वेयर द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, ये बात करता है उन 5 केसेस की जो हमने समझी थी, वहां पर कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लिया करते हैं, ये हमने समझ लिया था। नेक्स्ट, अब बात करते हैं उन कैपिटल एसेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जो प्रॉपर्टी बनी थी प्रीवियस ओनर की बिफोर 1/4/2001, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे ली जाया करती थी, जो कॉस्ट है प्रीवियस ओनर की या एफएमवी है ऑन द डेट ऑफ 1/4/2001, दोनों में जो हायर हो ये एसएससी के पास ऑप्शन मिला करता था। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की सेक्शन 55। सेक्शन 55 बात करता है कि जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है गुडविल ऑफ ए बिजनेस या राइट टू मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस या प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंक या राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा हो जाएगा निल। अदर कैपिटल एसेट के रिस्पेक्ट में तो लॉ यहां पर मेंशन करता था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है ओनर ने ऑन और आफ्टर 1/4/2001, जितना भी उसने एक्सपेंस किया है वो इंक्लूड कर ले, अगर प्रीवियस ओनर ने कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया है वो भी उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाएगा, लेकिन प्रीवियस ओनर के केस में सब्जेक्ट टू सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं एग्जम्पशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जम्पशन सेक्शन 10 वाली। तो हमने पढ़ी थी सेक्शन 10 की सबसे पहले सबसेक्शन 33 की एग्जम्पशन कि अगर इनकम अराइज होती है ट्रांसफर ऑफ ए यूनिट ऑफ यूटी, जो यूनिट स्कीम 1964 के थ्रू इशू हुई थी उस पर होने वाला जो ट्रांसफर है वो एग्जम्प्ट कर दिया गया है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 की बात करते हैं, जहां पर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ के पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और उस लैंड को इसने यूज किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर एग्रीकल्चर purposes, तो उस केस में ये जो लैंड है अगर इसका कंपलसरी एक्विजिशन होता है और गवर्नमेंट से मिलती है कोई कंसिडरेशन, उस केस में ये जो कंसिडरेशन है वो टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 43 जो बात करता था कि अगर रिवर्स मोर्टगेज में अगर कोई सीनियर सिटीजन लोन की अमाउंट रिसीव करता है या तो लमसम में या इंस्टॉलमेंट में, तो ये जो अमाउंट इसे मिल रही है ये हो जाती थी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 54 की एग्जम्पशन की बात करते हैं, तो नंबर 1 एलिजिबल एसएससी कौन है, तो इस केस में जो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है केवल वही सेक्शन 54 की एग्जम्पशन ले सकते हैं। असेट कौन सी ट्रांसफर होनी चाहिए, तो लॉ बात करता है जो रेजिडेंशियल हाउस है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इसका नेचर होना चाहिए। थर्ड, अदर कंडीशन की बात करें तो लॉ मेंशन करता है जो इनकम है उस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की वो टैक्सेबल होनी चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। बात करें क्वालिफाइंग एसेट की, तो क्वालिफाइंग एसेट क्या है, वो एसेट जिसमें कैपिटल गेन की अमाउंट जो है इन्वेस्ट करनी है, तो लॉ मेंशन करता है कि एसएससी को अगर कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ तक हुए हैं तो उस केस में एसएससी परचेज कर सकता है 2 रेजिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया, और मोर देन 2 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है तो उस केस में एसएससी जो है 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया परचेज कर सकता है। बात करें टाइम लिमिट फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो लॉ मेंशन करता है कि जो एसएससी है उसे परचेज कर लेनी चाहिए क्वालिफाइंग एसेट विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या कंस्ट्रक्ट कर लेनी चाहिए विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। 6th पॉइंट बात करता है अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन की, तो जो कॉस्ट है न्यू रेजिडेंशियल हाउसेस की 1 या 2 हाउसेस की और अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स विच एवर इज लोअर, दोनों में हो जाएगा एग्जेम। चलिए अब सेक्शन 54 कैपिटल बी की बात करते हैं, तो इस केस में जो एलिजिबल एसएससी है वो भी है इंडिविजुअल और एचयूएफ। असेट जो ट्रांसफर की जा रही है यहां पर वो की जा रही है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। इस असेट के रिगार्डिंग कोई कंडीशन, वो बात करता है पॉइंट नंबर थ्री मेंशन करता है कि ये जो लैंड है वो यूज्ड होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस बाय द इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स और बाय द एचयूएफ।
फॉर टू ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर. नेक्स्ट क्वालिफाइंग एसेट वो है एग्रीकल्चर लैंड, यानी असेसी को एग्रीकल्चर लैंड ही इसमें परचेज करना होगा, वेदर इट इज अर्बन और रूरल ये मैटर नहीं करता. टाइम लिमिट फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन तो लॉ मेंशन करता है, परचेज विद इन अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. नेक्स्ट अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन तो कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर ये हो जाता है एग्जेम्प्ट. थर्ड सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन है 54 कैपिटल डी. इस केस में जो एलिजिबल असेसी होता है वो होता है एनी असेसी. असेट कौन सी ट्रांसफर होनी चाहिए तो लॉ मेंशन करता है लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर होनी चाहिए जो फॉर्मिंग पार्ट हो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का. अदर कंडीशन की बात करें तो लॉ मेंशन करता है लैंड और बिल्डिंग जो है वो यूज्ड होनी चाहिए बिजनेस अंडरटेकिंग में फॉर एटलीस्ट टू इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर. क्वालिफाइंग एसेट क्या होनी चाहिए तो लॉ सिंपल मेंशन करता है लैंड या बिल्डिंग या राइट इन लैंड और बिल्डिंग. टाइम लिमिट को ही मेंशन की गई है, आंसर इज यस. टाइम लिमिट मेंशन की गई है परचेज या कंस्ट्रक्ट विद इन थ्री ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर शिफ्टिंग और रीएस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग या सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. नेक्स्ट बात करें अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन की तो यहां पर भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर. चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 54 कैपिटल ई सी. इस केस में भी एलिजिबल असेसी होता है एनी असेसी, बट यहां पर जो असेट ट्रांसफर होती है वो होती है लैंड और बिल्डिंग बींग लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. कोई अदर कंडीशन लॉ ने मेंशन की है, कोई कंडीशन मेंशन नहीं की. क्वालिफाइंग असेट की बात करें तो लॉ मेंशन करता है कि जो कैपिटल गेन की अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो जानी चाहिए बॉन्ड्स में जो इशू किए हों एनएचआई ने या आरईसीएल ने, और ये बॉन्ड्स जो है रिडीमेबल होने चाहिए आफ्टर 5 ईयर्स. साथ ही लॉ ने मेंशन किया है टाइम लिमिट. टाइम लिमिट है परचेज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन तो लॉ मेंशन करता है कैपिटल गेन की अमाउंट या जो अमाउंट इन्वेस्ट की है असेसी ने उन बॉन्ड्स में, विच एवर इज लोअर. लेकिन यहां पर एक मैक्सिमम अमाउंट भी डिस्क्राइब की है लॉ ने. मैक्सिमम अमाउंट डिस्क्राइब करता है लॉ ₹50 लाख, और ये जो 50 लाख की अमाउंट है ये असेसी इन्वेस्ट कर सकता है इन एनी फाइनेंशियल ईयर और सबसिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर. दोनों फाइनेंशियल ईयर की जो अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकता है वो कर सकता है एग्रीगेट अप टू 50 लाख. चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 54 कैपिटल डबल ई. तो ये जो सेक्शन है बिल्कुल मिलता जुलता सेक्शन है सेक्शन 54 कैपिटल ईसी से, बट इसमें दो डिफरेंस है. नंबर वन, असेट जो ट्रांसफर होगी इस सेक्शन में वो होगी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो क्वालिफाइंग एसेट है वो इसमें हुआ करती है स्पेसिफाइड फंड की यूनिट्स जो इशू की गई है बिफोर द 1 अप्रैल 2019. बाकी कंडीशन सेम है जो हमारा सेक्शन 54 कैपिटल ईसी है. नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 54 कैपिटल एफ की. तो इस केस में जो एलिजिबल असेसी होता है वो होता है इंडिविजुअल या एचईएफ. असेट जो ट्रांसफर की जाती है वो होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस. अदर कंडीशन की बात करें तो लॉ एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि असेसी के पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होने चाहिए ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. साथ ही वो परचेज नहीं करेगा विद इन टू ईयर्स कोई अदर रेजिडेंशियल हाउस या कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर अनदर रेजिडेंशियल हाउस. क्वालिफाइंग एसेट तो लॉ मेंशन करता है 1 रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया. फिफ्थ, टाइम लिमिट फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन तो इसमें मेंशन किया जाता है परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. यानी जो हमने टाइम लिमिट पढ़ी थी सेक्शन 54 में वही एप्लीकेबल है सेक्शन 54 कैपिटल एफ के लिए, बट यहां पर जो एग्जेम्पशन की अमाउंट है वो डिफरेंट है. इन केस कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है नेट सेल्स कंसिडरेशन से, तो उस केस में जो पूरी की पूरी अमाउंट है कैपिटल गेन की यानी एंटायर कैपिटल गेन अमाउंट हो जाएगी एग्जेम्प्ट. इन केस जो कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस वो लेस देन है नेट सेल कंसिडरेशन से, तो इस केस में प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट किए जाते हैं. तो यहां पर हमारे कैपिटल गेन्स चैप्टर की खत्म होती है बेटा रिवीजन. तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास, अब आप करिए इसका रिवीजन. इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353. तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.